टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस्त्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वारिया भारतीय सेना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में सोमवार को दोपहर भारी हिमस्खलन के बाद सेना की पेट्रोलिंग पार्टी के 8 जवान और पोर्टर लापता हो गए थे। घटना के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया था। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार 19,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर के उत्तरी सेक्टर में 8 कर्मचारी हिमस्खलन की चपेट में आए। बर्फ में दबे 8 लोगों को निकालकर हेलीकॉप्टर से पास के सैन्य अस्पताल में पहुंचाया गया। इनमें से 7 की हालत गंभीर थी। इलाज के दौरान 6 की मौत हो गई। इनमें 4 जवान और 2 पोर्टर शामिल हैं, जिन्होंने काफी देर तक बर्फ में दबे रहने के कारण दम तोड़ दिया। दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन सभी जवानों की आत्मा को शांति दे। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि गूगल ने इंडियन एयरफोर्स के वीडियो गेम को यूजर्स चॉइस गेम कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। ये गेम इंडियन एयरफोर्स एक कट अबव है। भारतीय एयरफोर्स इस गेम को मिली सफलता के लिए बेहद खुश है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यूजर्स से अपील की है कि वो इस 3D गेम को जिताने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इसे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ द्वारा इसी साल 31 जुलाई को लॉन्च किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। इसे ऑनलाइन खेला जाता है। इसमें यूजर्स को एक शानदार एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉम्बैट मिशंस को दिखाया गया है। इस गेम के दौरान प्लेयर्स को गेम में असली पायलट बनने का मौका दिया जाता है। इस गेम को अब तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड कर लिया गया है। कुछ ही महीनों में गेम यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय हुआ है। दोस्तों, आप सबसे भी मेरी अपील है कि आप इंडियन एयरफोर्स के इस गेम को डाउनलोड करें और इसमें अपना बेहतरीन रिव्यू दें, साथ ही इसको अपनी तरफ से मैक्सिमम स्टार्स देने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि गूगल ने इंडियन एयरफोर्स के वीडियो गेम को यूजर्स चॉइस गेम की कैटेगरी में नॉमिनेट किया है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। जी हाँ, खाड़ी के मुल्क कतर के साथ पहली बार साझा नौसैनिक अभ्यास इन दिनों दोहा के समुद्र तट पर चल रहा है। जैर अल बहर नाम से आयोजित इस अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत गाइडेड मिसाइल स्टिल्थ फ्रिगेट INS त्रिखंड के अलावा समुद्री गश्त टोही P8I विमान भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत खाड़ी के अन्य देशों जैसे ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ पहले से ही नौसैनिक तालमेल और साझा युद्धाभ्यास करता रहा है। अगले महीने सऊदी अरब के साथ एक साझा युद्धाभ्यास आयोजित करने का फैसला भी किया गया है। इस साझा अभ्यास का हार्बर फेज 17 नवंबर को शुरू हुआ, जो मंगलवार तक चलेगा। आपको बता दें कि नौसेना प्रवक्ता के मुताबिक कतर अमीर नौसैनिक बलों के साथ साझा नौसैनिक अभ्यास के आयोजन से दोनों देशों के बीच नौसैनिक सहयोग मजबूत होगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर फ्रांस को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि फ्रांस भारतीय नौसेना के लिए राफेल के नौसैनिक संस्करण को बेचने के लिए उत्सुक है। फ्रांसीसी नौसेना प्रमुख एडमिरल क्रिस्टोफ फ्राजुक ने कहा कि फ्रांस की नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले विमान वाहक पोत में फ्रांसीसी नौसेना के 42 राफेल विमान रखे गए हैं और इनके प्रदर्शन से वे काफी संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि उन्होंने भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ भी मुलाकात की। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत पहले से ही भारतीय वायुसेना के लिए 36 राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त कर रहा है और वहीं भारतीय नौसेना के लिए भी राफेल विमानों को फ्रांस से अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर अभी जो सूत्र है नौसेना के, उन्होंने कहा है कि अभी भारतीय नौसेना की जो लड़ाकू आवश्यकता है उनको एग्जामिन किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर अस्त्रा मिसाइल को लेकर आ रही है। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी ने कहा है कि अस्त्रा मिसाइल इंडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। DRDO द्वारा 2 नई मिसाइल परियोजनाएं खड़ी हुई हैं, जिसमें अस्त्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एक परमाणु हमले के खिलाफ भारत की रक्षा के लिए डिजाइन की गई बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। जी सतीश रेड्डी ने कहा कि अस्त्रा में शुरू में कुछ चुनौतियां थी, जिन्हें सफलतापूर्वक दूर कर लिया गया है। हमारे लगातार प्रयास से इंडियन एयरफोर्स के समर्थन के साथ इसके सभी मूल्यांकनों को पूरा कर लिया गया है और अब अस्त्रा मिसाइल इंडक्शन के लिए तैयार है और हमने इसकी सीमा को यानी कि इसकी रेंज को लगभग 2 गुना बढ़ा दिया है और ये सबसे घातक BVR मिसाइल बन गई है। आपको बता दें कि भारत उन कुछ देशों में से एक है जिनका अपना सक्रिय और सफल BMD कार्यक्रम है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर स्वदेशी तेजस विमान को लेकर आ रही है। मलेशिया में अपने स्वदेशी रूप से विकसित तेजस फाइटर की आपूर्ति के अनुबंध को जीतने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ मलेशिया ने दिया हो, लेकिन भारत ने मलेशिया के साथ अपने बिगड़ते हुए राजनीतिक संबंधों के बीच अपने संबंधों का विकास किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 36 नए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की आपूर्ति के लिए मलेशियाई वायुसेना द्वारा तेजस को शॉर्टलिस्ट किए गए विमानों में से एक है। अगर मलेशियाई वायुसेना के द्वारा इसकी डिमांड बढ़ती है तो HAL की ये पहली विदेशी बिक्री होगी।
साथ ही आपको बता दें कि तेजस के अलावा इस टेंडर में भाग लेने के लिए चीन और पाकिस्तान द्वारा डेवलप किया गया JF-17, दक्षिण कोरिया का T-50, गोल्डन ईगल और रूसी याक 130 और BAE सिस्टम का हॉक सिस्टम भी है। आपको बता दें कि HAL के सूत्रों ने कहा है कि तेजस को मलेशियाई वायुसेना द्वारा दी गई आवश्यकताओं के अनुसार बदल दिया जाएगा। सितंबर में एक मलेशियाई टीम ने HAL मुख्यालय का दौरा किया था और परियोजना पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी किया था। दोस्तों आपको बता दें कि मलेशिया ने तेजस को क्यों चुना है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी बेहतर एवेनिक्स और हथियार प्रणाली। तेजस को रूस और पश्चिमी देशों के हथियारों से इंटीग्रेटेड किया जा सकता है क्योंकि मलेशिया रूस द्वारा निर्मित सुखोई और अमेरिका निर्मित एफ ब्लॉक A-18 हॉर्नेट दोनों का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा तेजस में GE-404 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या HAL भारतीय वायुसेना के लिए जो 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनकी आपूर्ति जल्द कर पाएगा या फिर मलेशिया को आपूर्ति करेगा। तो ऐसे में HAL की तरफ से बयान आया है कि HAL पहले से ही 18 से 16 के स्तर पर अपने तेजस की डिलीवरी करने वाला है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए आपूर्ति में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर इसरो को लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेना की मदद के लिए कार्टोसेट 3 को लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये कार्टोसेट सीरीज का 9वां सैटेलाइट होगा। कार्टोसेट 3 का कैमरा इतना ताकतवर है कि अंतरिक्ष से जमीन पर 1 फीट से कम यानी करीबन 9.84 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ले सकेगा। बता दें कि पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर कार्टोसेट उपग्रह से मदद ली गई थी। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मौसम में पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम है। प्राकृतिक आपदाओं में भी ये मदद करेगा। इसरो ने बताया कि इस कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को 25 नवंबर को सुबह 9:28 पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा जाएगा। इसे पृथ्वी से 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। कार्टोसेट 3 सैटेलाइट को PSLV-C-47 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। 6 स्टेप ऑन्स के साथ PSLV की 21वीं उड़ान होगी जबकि PSLV की 74वीं उड़ान होगी। कार्टोसेट 3 के साथ अमेरिका के 13 अन्य नैनो सैटेलाइट्स भी छोड़े जाएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।